अस्सलाम वालेकुम, जमील अहमद जमील टीवी से हाजिर खिदमत है। आज हम देसी महीनों के तारफ के साथ हाजिर हुए हैं, तो कोशिश करेंगे कि इनके नाम कैसे रखे गए वो भी जाने। पहला महीना चेत का है, जिसको चेतर भी कहते हैं, इसमें ये बहार के मौसम में आता है। दूसरा महीना बैसाख, बैसाख या वसियों कहलाता है, गर्म सर्द और मिला जुला मौसम होता है। तीसरा महीना जो है वो जेठ, गर्म और लू चलने का महीना शुरू हो जाता है। चौथा हाड़, असार या आवड़ कहलाता है, इसमें मरतूबियत हो जाती है, मानसून का आगाज हो जाता है। पांचवा महीना जो है सावन, सावन सा हफ्स ज़्यादा हो जाता है, गर्म मकम्मल मानसून शुरू हो जाती है। छठा महीना बादलों का है, जिसको बादलों भी कहते हैं, बादरी भी कहते हैं, ये ज़रा मोतदिल हो जाता है, हल्की मानसून बारिशें रहती हैं। इस तरह सातवां महीना जो है वो अस्सू या अस्वज या आसी कहलाता है, ये जरा मोतदिल हो जाता है, ना गर्मी ना सर्दी। कातक कत्ता काते हल्की हल्की सर्दी शुरू हो जाती है, ये आठवां महीना है। मगर और मंगर बिल्कुल सर्द मौसम शुरू हो जाता है, ये नौवां महीना होता है। इसी तरह पो जो है वो सख्त सर्दी का मौसम होता है, ये सिरे में दसवें नंबर पे आता है। ग्यारहवां महीना जो है माघ माह को नज़ला, सख्त सर्दी धुंध वगैरह इसमें शुरू हो जाती है। इस तरह आगन फगन अरबशा बारहवां महीना होता है, कम सर्दी होती है लेकिन सर्द और खुश्क होती है, इससे हवाएं चलती हैं, बहार की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है। नाज़रीन बरसगीर पाको हिंद को यह एजाज़ तो हासिल है कि इस खत्ते का देसी कैलेंडर दुनिया के चंद कदीम तरीन कैलेंडर में से एक है। इस कदीमी कैलेंडर का आगाज 100 साल कबल मसीह में हुआ और इसका असल नाम बिक्रमी कैलेंडर है, ताहम इसको पंजाबी कैलेंडर भी कहा जाता है, देसी कैलेंडर भी कहा जाता है और जंतरी के नामों से भी इसको जाना जाता है। नाज़रीन दिलचस्प बात यह है कि विक्रमी कैलेंडर का आगाज 100 साल कबल मसीह में उस वक्त शुरू हुआ जब हिंदुस्तान के एक बादशाह राजा विक्रम अजीत का दौर दौरा था। इसी वजह से राजा विक्रम के नाम से ये विक्रमी साल कहलाया या मशहूर हुआ। इस शमसी तकवीम में जो साल है उसका आगाज चेत के महीने से होता है, यानी ऊपर हमने जैसे बयान किया कि इसके भी 365 दिन हैं। इस कैलेंडर के 9 महीने जो हैं वो 30 दिन के हैं, जबकि इसका एक महीना विसाख 31 दिन का होता है और इसके 2 महीने यानी जेठ और हाड़ 32-32 दिनों के होते हैं। नाज़रीन इसके जो मजीद तफसील है वो ये है कि 14 जनवरी को यकम माघ शुरू हो जाता है, इस तरह 13 फरवरी को यकम फागन शुरू हो जाता है, इस तरह आप देखेंगे कि 14 मार्च से यकम चेत शुरू हो जाएगा और 14 अप्रैल से यकम बैसाख, 14 मई से यकम जेठ, 15 जून से यकम हाड़ और 17 जुलाई से यकम सावन शुरू हो जाता है। इसी तरह 16 अगस्त से यकम भादरों शुरू हो जाता है और साथ ही 16 दिसंबर सितंबर यकम अस्वज और 17 अक्टूबर से यकम कार्तिक और इसी तरह 16 नवंबर से यकम मगर या माह, इसी तरह 16 दिसंबर से यकम पो का आगाज हो जाता है। नाज़रीन जैसे कि हमने बताया कि विक्रमी कैलेंडर पंजाबी देसी कैलेंडर है, तो इसके एक दिन के 8 पहर होते हैं, यानी इसके जो तकसीम की गई है इसके दिनों दिन को मुख्तलिफ हिस्सों में वो 8 हिस्सों में दिखी है और एक पहर जो है जदीद घड़ियों के मुताबिक 3 घंटों का होता है। इन पहरों के नाम क्या हैं आइए जानते हैं। दम्मी नूर पीर वाला, ये सुबह 6 बजे से 9 बजे का वक्त होता है। दोपहर शाह वेला या चा वेला, ये सुबह के 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक वेला का वक्त है। पेशी वेला, ये जो है ये तकरीबन 3 बजे तक का वक्त है।
12 बजे से 3 बजे तक के दरमियान का जो है दीगर या डीगर वेला, ये दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक का जो वक्त है उसमें इसको कहा जाता है, ये डीगर वेला हो गया। नमाशा वेला या शामा वेला जो है वो शाम 6 बजे से रात 9 बजे का जो वक्त है उसको शामा वेला कहते हैं। और अगला जो है वो है कफ्ता वेला, यानी रात 6 बजे से 9 बजे तक और रात 12 बजे तक का वक्त। तरह आध रात वेला, आधी रात जो हो जाती है वो 12 बजे से सहर के 3 बजे तक का जो वक्त है आध रात वेला कहलाता है। सर्दी या असुर वेला, सुबह के 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का जो वक्त है वो सर्दी या असुर वेला कहलाता है। लफ्ज वेला वक्त के मानों में आया है, वेला जो है वो वक्त के लिए बोला जाता है। गुज्जर, राजपूत, जाट और आइयों के यहाँ खासकर यही जुबान बोली जाती थी, यानी इसको वक्त को समझने के लिए ये वेला का ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। उम्मीद है कि आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आएगी।